एवरीवन आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के सेकंड टॉपिक दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स को कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन में हम एक और टाइप के सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज नाइलॉन तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज विभूति खरे वेलकम टू मैगनी प्रिंट्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पर हम बात करेंगे अपने सेकेंड टाइप के सिंथेटिक फ़ाइबर की जो कि है नायलॉन अब इससे पहले कि हम नायलॉन के ऊपर जाएँ प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी रेन के ऊपर तो थोड़ा सा हम रेन सिंथेटिक फाइबर को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप उसके कंटेनेशन में नायलॉन को पढ़ सकें और कहीं ना कहीं रेन के साथ रिलेट कर पाए तो इस पूरे चैप्टर की हमने शुरुआत कहाँ से करी थी इस पूरे चैप्टर की शुरुआत हमने करी थी फ़ाइबर के साथ कि एग्जैक्टली exactly फ़ाइबर्स हमारे क्या होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक फैब्रिक होता है यानी कि कपड़ा होता है अब वो फैब्रिक कोई सा भी हो सकता है वो एक सिल्क का भी हो सकता है वो कॉटन का भी हो सकता है वो सिंथेटिक भी हो सकता है वो एक वुलन फैब्रिक भी हो सकता है, है ना तो हमारे पास एक कपड़ा है एक क्लॉथ है एक फैब्रिक है सवाल ये आता है कि आखिर ये फैब्रिक बना किससे होता है तो ये फैब्रिक बना होता है थ्रेड से ठीक है किससे बना होता है थ्रेड से बना होता है धागों से अब थ्रेड को अगर हम एक सर्कुलर या एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या कर दें कॉयल कर दें तो वो क्या बन जाएगी उस धागे की उस थ्रेड की रील बन जाएगी तो थ्रेड की जो रील होती है तो उसको हम क्या कहते हैं यान कहते हैं ठीक है थीके? तो फैब्रिक है आपके पास वो किस से बना है थ्रेड से बना है थ्रेड को अगर आप कॉइल कर दोगे किसी सिलेंड्रिकल uh, स्ट्रक्चर के ऊपर तो वो क्या बन जाएगा थ्रेड की रील बन जाएगी जिसे हम यान कहते हैं अब सवाल ये है कि ये थ्रेड किससे बनता है तो अगर आप किसी थ्रेड को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप ये पाओगे कि हमारा जो एक पतला सा थ्रेड होता है वो कई सारे फाइन फिलामेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है एक पतला सा थ्रेड एक थ्रेड खुद ही इतना पतला होता है तो आप ये समझ सकते हो कि उसको बनाने वाले जो बहुत सारे फिलामेंट्स हैं वो खुद कितने पतले होंगे क्योंकि थ्रेड पतला तो उसको बनाने वाले फिलामेंट्स उससे भी ज़्यादा पतले तो एक थ्रेड जो होता है उसको कई सारे फाइन फिलामेंट्स होते हैं जो जो कि आप बोल सकते हो कि उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्रेड लाइक ही होता है तो थ्रेड को बनाने वाले होते हैं फिलामेंट्स ये बहुत ही फाइन होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ही होता है और इन सभी फिलामेंट्स को हम करते क्या हैं कंबाइन करते हैं पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनको हम ट्विस्ट कर देते हैं यानी कि मोड़ देते हैं जैसे कि हम किसी चीज़ को निचोड़ते हैं ना तो निचोड़ने के बाद जो ट्विस्ट बनता है कुछ इसी तरीके से हम फिलाेंट्स को पकड़ के ट्विस्ट कर देते हैं तो आपके पास फिलामेंट्स को ट्विस्ट करने के बाद जो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर निकल के आता है उसी को हम कहते हैं थ्रेड तो फेब्रिक बनाएं थ्रेड से थ्रेड का अगर आप एक यू नो कॉइल कर दोगे किसी स्ट्रक्चर में तो वो बन जाएगा थ्रेड का यार्न फिर इसके बाद में थ्रेड किसका बना है बहुत सारे फाइन फिलामेंट्स का जिनको हम कहते हैं फाइबर्स अब सवाल आता है कि फ़ाइबर्स किसके बने होते हैं तो फाइबर्स हमारे बने होते हैं पॉलीमर के पॉलीमर मतलब क्या कि बहुत बड़ा सा एक मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल को बनाते कौन है बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो जो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है आपके पास जिसको आप पॉलीमर बोल रहे हो वो कहलाता है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं ठीक है और उस बड़े से मॉलिक्यूल को जिसको आप पॉलीमर बोल रहे हो उसको बनाने वाले जो स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर्स तो इन मोनोमर्स को हम रिपीटिंग यूनिट्स भी कहते हैं क्यों क्योंकि ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ना मोनोमर्स हैं ये कई बार रिपीट होते 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 एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो मोनोमर्स को हम रिपीटिंग यूनिट्स भी कहते हैं और मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं पॉलीमर बनाते हैं और इसी पॉलीमर का बना होता है क्या हमारे फाइबर्स ठीक है तो पॉलीमर और मोनोमर के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अज्यूम करो क्या एक मोती की माला यानी कि पर्ल नेकलेस ठीक है तो आपका जो पूरा पर्ल नेकलेस है वो क्या है एक पॉलीमर है और ये पर्ल नेकलेस यानी कि मोती की माला बनी किससे है इंडिविजुअल मोती से बनी है इंडिविजुअल पर्ल से बनी है तो उस मोती की माला का जो इंडिविजुअल पर्ल है उसको आप मान लो मोनोमर ठीक है तो मोती एक के बाद एक एक के बाद एक आते गए आते गए आते गए और आपके पास एक पूरा नेकलेस जो है रेडी हो गया तो इंडिविजुअल पर्ल इज मोनोमर और जो मोतियों की माला बनी है दैट इज़ पॉलीमर ठीक है तो मोनोमर को हम कहते हैं रिपीटिंग यूनिट्स और इनके कॉम्बिनेशन से बन जाता है क्या पॉलीमर इतना समझ में आया चलो फिर इसके बाद में फाइबर्स के लिए हमने बोला था कि हमारे पास दो टाइप के होते हैं फाइबर्स बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ना अलग अलग टाइप के होते हैं तो इतने सारे टाइप्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज़ में कैटेगराइज कर देते हैं और इनका जो कैटेगराइजेशन है उसका आप बोल सकते हो कि बेसिस बहुत ही ईजी है कि बेसिकली फाइबर हमें कहाँ से मिल रहे हैं क्या बोला मैंने कि हमारे पास फाइबर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं अब इन सभी टाइप्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं क्लासीफाई कर देते हैं और ये क्लासीफिकेशन बहुत आसान होता है कैसे आसान आसान होता है बस हमें ये पता करना होता है कि हमारा जो फाइबर है वो आ कहाँ से रहा है अगर प्लांट और एनिमल से आ रहा है तो वो हो गया नेचुरल फाइबर या अगर आप उसे सिंथिसाइज़ कर रहे हो लेबॉटरीज में या फैक्ट्रीज में केमिकल्स के थ्रू तो वो जाएगा सिंथेटिक फाइबर ठीक है तो फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स हमारे एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स में हमने बात करी थी कि जो कॉटन फाइबर है वो मिलता है कॉटन प्लांट से जो जूट फाइबर है वो कॉटन प्लांट का जो ड्राइड स्टेम्स होते हैं कि कॉटन सॉरी जूट प्लांट के जो सूखे हुए स्टेम्स होते हैं उससे हमें जूट फाइबर मिलता है ठीक है ना जूट फाइबर कहाँ से मिलेगा सूखे हुए जो स्टेम्स होते हैं जूट प्लांट के उनसे फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे सिल्क की तो सिल्क कहाँ से मिलता है सिल्क मिलता है सिल्क वर्म से अगर हम बात करेंगे वूल की तो वूल कहाँ से मिलेगा कैमल या शीप के हेयर से वो सब हो गया क्या नेचुरल फाइबर्स इस बार हमारे सिलेबस में क्लास एट साइंस के सिलेबस में हमको बात करनी है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ठीक है तो हमने एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर पढ़ लिया है टोटल चार ही हैं आपके पास रेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर बाद नायलॉन भी पढ़ लेंगे और इसके बाद में जो नेक्स्ट टू हमारे रिमेनिंग सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको हम अपने अपकमिंग सेशंस में कवर करेंगे तो रेन के लिए मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बोला था कि सिल्क जो होता है सिल्क फाइबर उसका जो ट्रेंड है वो ऐसा नहीं है कि आजकल के ज़माने में मॉडर्न टाइम्स में जो है ना लोगों को सिल्क अच्छा लगता है ऐसा नहीं है एनशेंट टाइम्स में यानी कि बहुत पुरान पुराने ज़माने में भी सिल्क की जो डिमांड थी ना वो कम नहीं थी सिल्क आज भी पॉपुलर है और बहुत पहले एनशेंट टाइम्स में भी उतना ही पॉपुलर था इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर था लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि सिल्क uh, काफ़ी महंगा बिकता था एक्चुअली हुआ क्या कि सिल्क जो है वो बनता है कहाँ से सिल्क वर्म से मैंने आपको बताया है सिल्क वर्म का आप बोल सकते हो कि उसकी पूरी लाइफ साइकिल में एक उसकी लार्वल स्टेज आती है सिल्क वर्म का जो लार्वा है वो क्या करता है आ, अपनी ग्रोथ के दौरान अपने पूरे चारों तरफ जो है एक कवरिंग फॉर्म कर लेता है वाइट कलर की और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं कोकून कहते हैं ठीक है अब इसी कोकून से हम आ, सिल्क फाइबर को जो है ऑप्टेन करते हैं तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी टिपिकल होती है कि सबसे पहले तो आपको सिल्क वर्म को जो है ना कल्चर करवाना पड़ता है फिर उसकी जो लार्वा स्टेज आती है उसके अराउंड कोकून बनता है कोकून से फिर सिल्क फाइबर निकालना और हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कोकून बीच में से टूट ना जाए अगर कोकून बीच में से टूट गया उसका लारवा बाहर निकल आए कोकून से तो सिल्क uh, फाइबर्स जो आपको मिलेंगे वो लंबे नहीं रहते रहेंगे वो छोटे छोटे रहेंगे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे ठीक है तो वो चीज़ अच्छी बात नहीं है हमको तो जितना लंबा फाइबर होता अच्छा तो कुल मिलाकर के सिल्क वर्म से सिल्क बनाने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी टिपिकल थी सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुई थी ये हुई थी चाइना में तो चाइनीज़ लोगों ने सबसे पहले अपनी बुद्धि लगाई कि अच्छा सिल्क वम से सिल्क निकाला जा सकता है उसके कोकून से सिल्क फ़ाइबर बनाया जा सकता है और उसको इन्होंने एक सीक्रेट रखा किसी को बताया नहीं किसी दूसरी कंट्री को मे बी वो यू नो व्यापार करना चाह रहे थे कि हम ही जो है ना सिल्क बनाएंगे क्योंकि उनको ये तो पता था कि जो सिल्क फाइबर निकल रहा है और सिल्क फ़ाइबर से जो फैब्रिक जो कपड़े बन रहे हैं वो बहुत ही शानदार हैं तो उन्होंने सोचा होगा कि हम इसको जो है ना सीक्रेट रखते हैं और दूसरे जो देश होंगे दूसरी जो कंट्रीज़ होंगी उनको हम महंगे महंगे और महंगे रेट में जो है ना सिल्क बेचेंगे तो उन्होंने इस चीज़ को सीक्रेट रखा लेकिन ऐसी बातें छुपती तो है नहीं तो बहुत जल्दी जो है ये सीक्रेट डिस्क्लोज़ हो गया और बाकी कंट्रीज़ को भी पता चल गया कि अच्छा सिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि इतनी टिपिकल प्रोसेस होती है कि इसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है तो ऑबियसली बात है कि जो सिल्क फेब्रिक जो सिल्क क्लॉथ मिलता था वो काफ़ी महंगा होता था इतना महंगा कि उस ज़माने की जो रिच फैमिलीज़ होती थी बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिलीज़ केवल वही इसको अफोर्ड कर पाती थी मिडिल क्लास लोगों के बस की बात नहीं होती थी सिल्क को खरीदना लेकिन हमारा जो सिल्क है वो है ही इतना अमेजिंग यू नो फैब्रिक या कपड़ा कि उसको जो है ना हर कोई यूज़ करना चाहता है क्यों बहुत शाइनी होता है लश् होता है बहुत सॉफ्ट होता है बहुत स्मूद होता है कंफर्टेबल uh, भी होता है उसे पहनना है ना काफ़ी अपेरेंस भी अच्छी होती है और उसका टेक्सचर भी अच्छा होता है तो कुल मिलाकर के लोगों की डिमांड थी कि नहीं यार कोई ना कोई तरीका तो ऐसा होना चाहिए जिसके हेल्प से हम भी सिल्क जैसी फाइबर को या फैब्रिक को हम यूज़ कर पाएँ फिर इसके बाद में क्या हुआ नाइनटीन सेंचुरी के एंड में सिल्क की थोड़ी सी कमी आने लगी हुँ। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि 1889 में एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट आए जिनका नाम था हिलयर द शादने इस इनका नाम शायद मैंने आपको रेयन वाले सेशन में नहीं बताया है अभी सुन लो हिलयर दे शार्दने एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने क्या किया था एटीन एटी नाइन में सबसे पहले रेन को मैन्युफैक्चर किया था वो भी कैसे इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी कि एक बहुत बड़े स्केल पे हिलयर दे शार्दने ने फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट ने एटीन एटी नाइन में रेयन को मैन्युफैक्चर किया लोगों को बताया कि भाई ये रहा क्या एक हमारा सिंथेटिक फाइबर जिसको हम बोलते हैं रेयन तो लोगों ने बोला कि खास बात क्या है इस रेन की तो उन्होंने समझाया कि भाई रेन जो है ना ये सिल्क का इमिटेशन होता है जैसे कि हम आ, इमिटेशन ज्वेलरी पहनते हैं है ना सबको लगता है कि हमने गोल्ड पहना है लेकिन वो ज्वेलरी जो है किसी लोकल आप बोल सकते हो कि मटेरियल की बनी होती है और उसके ऊपर गोल्डन कलर की पॉलिश कर दी जाती है तो दिखने में लगता है कि गोल्ड पहना है लेकिन वो गोल्ड होता नहीं है ना आर्टिफिशियल जिसको ज्वेलरी हम कहते हैं तो वैसे ही इमिटेशन सिल्क का इमिटेशन यानी कि सिल्क के जैसे दिखने वाला सिल्क का लुक अलाइक -like, कौन था रेन था ठीक है और अच्छी बात क्या थी कि रेन को लोगों ने काफ़ी पसंद किया क्यों पसंद किया क्योंकि वो अफोर्डेबल था काफ़ी सस्ता था तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी वो भी रेन को अफोर्ड करने लगी वो भी रेन का जो है यूज़ करने लगी तो रेन को हम इमिटेशन तो कहते ही हैं सिल्क का साथ ही इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं क्योंकि आ, ये जो रेन है इसको बनाया गया है ये नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता इसको बनाया गया है तो इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं एक तो सस्ता पड़ता है इसके अलावा इसका जो अपीयरेंस है इसका जो टेक्सचर है वो कई हद तक सिल्क से मिलता जुलता है तो इमिटेशन ऑफ सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क हम कहते हैं रेन को अब अगर हम बात करेंगे कि रेयन क्या एक सिंथेटिक फाइबर है या ये एक नेचुरल फ़ाइबर है तो अगर मैं आपको रेयन की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस बताऊंगी तो आपको लगेगा कि शायद रेयन जो है ना नेचुरल फ़ाइबर की कैटेगरी में आना चाहिए लेकिन हम उसको सिंथेटिक फ़ाइबर में पढ़ रहे हैं ऐसा क्यों क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो बनते हैं पॉलीमर के तो अगर मैं रेयन फ़ाइबर की बात करूँ कि रेयन फाइबर किससे बनता है तो वो बनता है सेल्यूलोस सेल्यूलोस क्या है एक पॉलीमर है भाई फाइबर्स हमारे पॉलीमर के ही बनते हैं तो अगर मैं बात कर रही हूँ रेओन फाइबर की तो रेन फाइबर भी बनेगा पॉलीमर का उस पॉलीमर का नाम क्या है सेल्यूलोज है और सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है सेलुलोज हमें मिलता है प्लांट सेल से मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में जो अपने सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्लांट सेल्स और प्लांट सेल की जो सेल वॉल है बेसिकली प्लांट सेल्स में क्या होती है सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है सेल्युलोज की बनी होती है तो हुआ क्या कि बेसिकली uh, आप समझ सकते हो कि वुड है मतलब बहुत बड़ा सा ट्री है और ट्री की जो लकड़ी होती है जो वुड होती है उससे मिलने वाला जो पल्प है जिसको हम वुड पल्प कहते हैं इस वुड पल्प के पास क्या होता है सेलुलोज होता है भाई प्लांट के पास प्लांट सेल्स हैं प्लांट सेल्स के अंदर सेलुलोज है अब प्लांट से आप उसका कोई भी पार्ट लोगे उसका स्टैम लोगे उसकी ब्रांचेस लोगे तो उन स्टैम और ब्रांचेस के पास भी तो प्लांट सेल्स ही होंगे ना और प्लांट सेल्स से मतलब क्या कि सेलुलोज है तो वुड पल्प जो निकल के आया था उसमें भी क्या होता है सेलुलोज होता है और इसी सेलुलोज का यूज़ किया जाता है रेन के फाइबर को बनाने के लिए तो आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि मैम अगर रेन फाइबर सेलुलोज का बन रहा है जो कि एक पॉलीमर है और ये सेलुलोज मिल रहा है है कहाँ से वुड पल्प से वुड पल्प मतलब कि एक नेचुरल सब्सटेंस तो डेफिनेटली रेन को एक सिंथेटिक एक नेचुरल फाइबर होना चाहिए लेकिन फिर इसको हम सिंथेटिक फाइबर क्यों बोल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये जो आपके पास सेलुलोज आया है वुड पल्प से इस सेलुलोज को जो है ना फर्दर बहुत सारे केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है और तब जाके रेन का फाइबर बनता है तो ना ही आप रेऑन को कम्प्लीटली सिंथेटिक बोल सकते हो ना ही आप इसको कम्प्लीटली नेचुरल फाइबर बोल सकते हो आपको इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलना पड़ेगा क्योंकि माना एक बेस मटेरियल जो है इसका रॉ मटेरियल वो एक सेल्यूलोज है जो कि एक नेचुरल सब्सटेंस है लेकिन इस नेचुरल सब्सटेंस से रेऑन फाइबर बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स को यूज करना पड़ता है सॉर्टेड तो इसीलिए रेउन को हम क्या कहते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर तो ये पूरी कहानी अभी तक हमने पढ़ी है आई होप अब जब हम नायलॉन के बारे में बात करेंगे तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ फाइबर का फॉर्मेशन कैसे होता है पॉलीमर मोनोमर क्या होता है ये सब मैंने आपको बता दिया अब हम बात करते हैं अपने नायलॉन की तो नायलॉन क्या है नायलॉन हम बोलते हैं कि एक सिंथेटिक फाइबर है रेयन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है लेकिन नायलॉन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट सिंथेटिक uh, फाइबर है जो कि डिस्कवर हुआ था ठीक है अब इसके बाद में इनफैक्ट नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है रेन सेमी वाला था लेकिन नायलॉन हम बोलते हैं कि फुली सिंथेटिक है फाइबर मेड बाय मैन यानी कि वही आर्टिफिशियल फ़ाइबर है मैन मेड फाइबर है विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल यानी कि रेन को सॉरी नायलॉन को बनाने के लिए बिल्कुल भी कोई भी नेचुरल मटेरियल यूज़ नहीं होता है जो कि प्लांट्स या एनिमल से मिलता हो कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होता है जो कि कैसा हो नेचुरल हो या प्लांट और एनिमल से मिला हो नायलॉन को बनाने के लिए कम्प्लीटली केमिकल से बनाया जाने वाला जो फ़ाइबर है उसको हम कहते हैं नायलॉन इसलिए ये कम्प्लीटली या फुली सिंथेटिक फाइबर है इतना क्लियर हुआ आप सभी को चलो अब इसके बाद में इट वॉज़ मेड इन द ईयर 1931 1931 के टाइम पे ईयर पे नाइलॉन का जो है फॉर्मेशन हुआ था बेसिकली हुआ था क्या था कि वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो अमेरिकन कंपनीज़ जो है ना वो सोच रही थी कि कुछ एक ऐसा हमारे पास फाइबर आए जो कि काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक हो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो और क्वालिटी उसकी तो बढ़िया हो ही एक्चुअली हुआ क्या था नायलॉन के पहले रेन आया था तो रेन हालांकि अपने आप में बहुत अच्छा था सिल्क को जो है ना टक्कर दे रहा था प्राइजेस उसकी कॉस्ट उसकी कम पड़ती थी चाइनी था अपियरेंस में कंफर्टेबल फील होता था लेकिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक या ड्यूरेबल नहीं होता था ड्यूरेबल मतलब कि लंबा चलने वाली कोई चीज़ ठीक है तो रेन अपने आप में अच्छा था लेकिन इतना इलास्टिक और इतना आप बोल सकते हो कि ड्यूरेबल नहीं होता था तो जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तो अमेरिकन कंपनीज़ ने सोचा कि यार कोई ऐसा फाइबर चाहिए है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो इलास्टिक हो और अपियरेंस भी उसकी अच्छी हो फिर इसके बाद में दो आप बोल सकते हो कि साइंटिस्ट आए थे उनने अपनी एक टीम बनाई और उस टीम आ, से आप बोल सकते हो कि टीम ने जो है ना सक्सेसफुली एक सिंथेटिक फाइबर को जो है ना सिंथेसाइज किया जिसको जिसका नाम पड़ा क्या नायलॉन और ये कब आया था ये आया था 1931 के ईयर में ठीक है चलो द केमिकल कंपाउंडस और मोनोमर्स यूज इन मेकिंग नायलॉन आर नाउ ऑप्टेन फ्राम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स मैंने आपको क्या समझाया कि फाइबर्स जो होते हैं हमारे वो किसके बने होते हैं भाई पॉलीमर्स के बने होते हैं पॉलीमर किसका बना होता है मोनोमर का बना होता है तो जब हम बात करते हैं हमारे एक नायलॉन फाइबर की तो डेफिनेटली नायलॉन का जो फाइबर होता है वो भी किसका बना होगा एक पॉलीमर का बना होगा पॉलीमर किसका बना होगा मोनोमर का बना होगा तो नाइलॉन फाइबर को बनाने वाले जो मोनोमर्स होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ से बनते हैं वो बनते हैं कोल से एयर से और वाटर से और कभी कभी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऑयल भी यूज़ होता है लेकिन वो कुछ ही किताबों में लिखा गया है तो हम उसको अभी कंसिडर नहीं करते हैं क्या बोला मैंने कि हम नायलॉन को सिंथेटिक फाइबर फुल्ली या कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर क्यों बोल रहे हैं क्योंकि नायलॉन के फाइबर को बनाने के लिए कोई भी नेचुरल सब्सटेंस नहीं लगता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि प्लांट या एनिमल से मिला हो ऐसा कोई भी सब्सटेंस हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में नहीं लेते हैं नायलॉन फाइबर को बनाने के लिए तो सवाल ये कि अगर हम नेचुरल सब्सटेंस को नहीं ले रहे हैं तो फिर हम ले क्या रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम बोलते हैं कि नायलॉन फाइबर को बनता है पॉलीमर से अब इस पॉलीमर को बनाने के लिए आप बोल सकते हो कि जो मोनोमर्स हैं वो मोनोमर्स किससे बनाए जाते हैं कोल, एयर और वाटर से ठीक है और जिनको हम क्या कहते हैं बेसिकली ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहलाते हैं और इसीलिए इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं क्या कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स तो नायलॉन फाइबर के जो मोनोमर्स होते हैं वो कहाँ से बनाए जाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स और वो पेट्रोकेमिकल्स कौन से हैं ये वाले हैं कोल एयर वाटर इन सब से ठीक है चलो और हाँ अब आप लोग सोचोगे कि मैम आपने तो कहा था कि नेचुरल सब्सटेंस नहीं लेते हैं लेकिन यहाँ पे तो कोल एयर वाटर ये सब तो नेचुरल सब्सटेंस है तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था नेचुरल सब्सटेंस मतलब क्या प्लांट और एनिमल से मिलने वाला नेचुरल सब्सटेंस इसीलिए जब हम अपना आई गेस फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे फाइबर्स के बारे में तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लो कि नेचुरल सब्सटेंस मतलब क्या नेचुरल फ़ाइबर्स मतलब क्या जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं तो माना कोल एयर वाटर ये सब जो है ना हमारे प्लानेट पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बनाना नहीं पड़ता है मतलब कोल को तो खैर बनाना पड़ता है लेकिन एयर वाटर तो मिलता है नेचुरली लेकिन ये प्लांट और एनिमल से नहीं मिला है इसलिए इनको हम जब अपने मोनोमर्स बनाते हैं इनसे और मोनोमर्स से जो है ना पॉलीपर बना करके नायलॉन फाइबर बनाते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि नायलॉन फाइबर किसी भी नेचुरल सब्सटेंस से नहीं बना है नेचुरल मतलब कि प्लांट और एनिमल से मिलने वाला ठीक है तो so, कंफ्यूज मत होना तो नायलॉन फाइबर है वो बना है पॉलीमर से पॉलीमर किससे बना है मोनोमर से मोनोमर किससे बने हुए हैं तो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नोन एज पेट्रोकेमिकल से पेट्रोकेमिकल्स भी कौन से हैं कोल एयर एंड वाटर इनसे बन गए क्या मोनोमर अब इस मोनोमर का कोई नाम भी तो होना चाहिए पॉलीमर का भी नाम होना चाहिए तो सो नायलॉन इज़ अ पॉलीअमाइड नायलॉन क्या है नायलॉन बना होता है पॉलीअमाइड से जैसे कि हमारा रेन बना होता है सेलूलोस से, सेलोलोज एक पॉलीमर है सिमिलरली नायलॉन बना होता है पॉलीअमाइड से तो पॉलीअमाइड क्या है एक पॉलीमर है तो अगर पॉलीमर है क्या पॉलीअमाइड तो, तो मोनोमर क्या हो जाएगा मोनोमर हो जाएगा अमाइड पॉली मतलब क्या होता है बहुत सारा ठीक है और अमाइड आप बोल सकते हो कि एक केमिकल कंपाउंड है जो कि किससे बना हुआ है हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोकेमिकल से बना हुआ है ठीक है तो जब हम कई सारे अमाइड मोनोमर्स को एक के बाद एक एक के बाद एक रिपीट करते जाएंगे और उनको ज्वाइन करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा एक आप बोल सकते हो कि लंबी लंबी चेन्स बन जाएंगी बहुत सारे अमाइड रिपीटिंग यूनिट्स की और ये जो लंबी लंबी चेन्स होती हैं अमाइड रिपीटिंग यूनिट्स की इन्हीं को हम क्या कहते हैं पॉली अमाइड कहते हैं ठीक है तो पॉलीअमाइड क्या है एक पॉलीमर है आ, और इसी से नायलॉन फाइबर बना है पोली खुद किससे बना होता है अमाइड से अमाइड एक मोनोमर है और ये मोनोमर कहाँ से बना है पेट्रोकेमिकल्स दैट इज कोल्ड एयर और वाटर से ठीक है चलो द तो नेम नायलॉन अब आप बोलोगे कि ये नायलॉन नाम अजीब सा कैसे पड़ गया है तो सबसे पहले जो है आ, ये डेवलप कहाँ हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था और लंडन में हुआ था तो न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क को हम शॉर्ट में एन वाई कहते हैं तो न्यूयॉर्क का लिया गया एन वाई और लंडन का लिया गया क्या लॉन ठीक है तो इधर से न्यूयॉर्क का एन वाई लिया गया और लंडन का लन लिया गया तो ये क्या बन गया इसकी स्पेलिंग क्या बन गई एन वाई एल ओ एन यानी कि नाया ठीक है ना लंडन का लॉन और न्यूयॉर्क का शॉर्ट में एन वाई तो क्या बन जाएगा नायलॉन ठीक है चलो नाइलॉन इज़ अ थर्मो प्लास्टिक पॉलिमर विच कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग जब हम प्लास्टिक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से थर्मो प्लास्टिक क्या होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं वो वहाँ पे हम पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में भी बताया था थोड़ा सा कि थर्मो प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको हीट करते हो तो ये मेल्ट हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं तो हमारा जो नायलॉन है वो क्या होता है थर्मो होता है यानी कि जब आप इसको हीट करते हो तो ये मेल्ट हो जाता है इतना समझ में आया चलो अब इसके बाद में मोल्टन नायलॉन इज फोस्ड थ्रू टाइनी होल्स इन अस्पिनरेट या वही मेटेलिक सिलेंडर टू मेक नायलॉन फाइबर्स और नायलॉन थ्रेड और कास्ट इन टू एंड आर कास्ट इन टू डिज़ायर्ड शेप्स तो यहाँ पर आपको एक जी आई एफ दिख रहा होगा जिसमें से आप देख सकते हो कि uh, इस पूरे सल्यूशन में से किस तरीके से नायलॉन के फाइबर को जो है ना ऑप्टेन किया जा रहा है बेसिकली होता क्या है कि वही बात है कि आपके पास पॉलीमर आ गया है पोलियामाइड फिर इसके बाद में उसको जो है केमिकल्स और सॉल्वेंट वगैरह से ट्रीट किया जाता है फिर ट्रीटमेंट के बाद जो मेटेलिक सिलेंडर होता है जिसके एंड में मेटेलिक सिलेंडर के एंड में हम बोलते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे से होल्स होते हैं इस वाले मेटेलिक सिलेंडर के थ्रू जो ट्रीटेड पॉलीमर है उसको पास करवाया जाता है अंडर प्रेशर अंडर फोर्स तो होता क्या है कि जो लिक्विड है या जो सॉल्यूशन है वो इस मेटेलिक सिलेंडर के होल्स के थ्रू बाहर आता है और बाहर आता है कैसे तो, तो बहुत फ़ाइन फिलामेंट्स के फॉर्म में फिर इसके बाद में इन फिलामेंट्स को फर्दर जो है ना केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद जो है कुछ इस तरीके से नायलॉन के फाइबर्स जो है ऑप्टेंड हो जाते हैं क्या बोला मैंने पॉलीमर बन गया पॉलीमर्स को केमिकल के साथ ट्रीट किया फिर इस मेटेलिक सिलेंडर में डाला और प्रेशर से जो है पास कराया तो जब ट्रीटेड सल्यूशन जो है निकलेगा इस सिलेंडर के थ्रू छोटे छोटे होल्स के थ्रू तो आपको कुछ फिलामेंट्स मिलेंगे फर्दर इन फिलामेंट्स को हम सोल्यूशन के साथ या सॉल्वेंट के साथ केमिकल्स के साथ ट्रीट कराते हैं और ट्रीटमेंट के बाद में आपको अल्टीमेटली नायलॉन का फाइबर कुछ इस तरीके से मिलता है फिर इस नायलॉन फाइबर को जो है ना स्ट्रेच किया जाता है उसको जो है ना बांधा जाता है वॉश किया जाता है वॉश करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि केमिकल से ट्रीटेड है तो किसी भी तरह का केमिकल ना लगा रह जाए तो केमिकल्स को हटाने के लिए वॉश किया जाता है फिर सुखाया भी जाता है तो ये सारी प्रोसेस फिर जब होती है तो फाइनली हमको जो है नायलॉन का फाइबर मिल जाता है जितना भी डिज़ायरेबल लेंथ का चाहिए है जितना भी डिज़ायरेबल थिकनेस का चाहिए है या डाई का चाहिए है तो उस हिसाब से जो है नायलॉन के फाइबर्स बना लिए जाते हैं ठीक है आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा अब क्योंकि ये जो हमारा नायलॉन फाइबर बना था ये किस पर्पस से बना था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिकन कंपनीज चाह क्या रही थी वो ये चाह रही थी कि आ, कुछ ऐसा फाइबर हम बनाएं जो कि आ, सिंथेटिक हो सिंथेटिक तो होगा ही क्योंकि हम बना रहे हैं ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा सा इलास्टिक हो और ड्यूरेबल हो मैंने आपको पहले भी क्या बताया है कि जो चीज़ नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करती हैं जो हम नेचर से बना रहे होते हैं वो उन पर हमारा बस नहीं होता है ना हम उसमें डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ नहीं डाल सकते हैं लेकिन जिन चीज़ों को हम खुद सिंथिसाइज़ करते हैं मैन सिंथिसाइज़ करते हैं लेबॉरेटरीज़ में बनाते हैं तो उसमें हमारा बस चलता है कि हाँ हम जो चाहते हैं जो भी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं हम उस चीज़ में वो डाल सकते हैं तो अमेरिकन कंपनीज़ जब किसी फ़ाइबर को जो है इन्वेंट कर रही थी तो उनके दिमाग में यही एक चीज़ थी कि हमें एक ऐसा फ़ाइबर चाहिए जो कि काफ़ी इलास्टिक हो और काफ़ी ड्यूरेबल हो यानी कि लंबा चले ठीक है तो अल्टीमेटली जब रेन का फॉर्मेशन हुआ तो सॉरी नायलॉन का फॉर्मेशन जब हुआ तो नायलॉन एक ऐसा फाइबर निकल कर के आया जो कि जिसकी क्वालिटी तो अच्छी थी ही लेकिन वो ड्यूरेबल भी था इलास्टिक भी हुई फिर इसके बाद में आगे जा कर और उसमें कई सारी मॉडिफिकेशंस की गई और इन मॉडिफिकेशंस की हेल्प से नायलॉन जो है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो कि फ़ाइबर के रूप में निकल कर के आया अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टील फाइबर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या कोई सिंथेटिक फाइबर हो सकता है मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि स्टील फाइबर जो स्टील होता है जिससे कि हमारे किचन के बर्तन वगैरह बनते हैं किचन वेयर्स बनते हैं तो कुकिंग वेयर्स वगैरह तो स्टील फाइबर से ज़्यादा क्या कोई स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर हो सकता है तो हो सकता है कि आप लोग मुझे आप जवाब दो कि नहीं मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता स्टील फाइबर से ज़्यादा कोई और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है जबकि ऐसा नहीं है स्टील फाइबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा ये नायलॉन फाइबर मैंने आपको बोला ना कि नायलॉन को बनाते टाइम पे एक ही चीज़ दिमाग में चल रही थी कि स्ट्रॉन्ग चाहिए है इलास्टिक चाहिए है ड्यूरेबल फ़ाइबर चाहिए है तो इसीलिए जब नायलॉन लेकर करके आया जब नायलॉन को सिंथेसाइज किया गया तो नायलॉन फाइबर कैसा बना काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल अब क्योंकि नायलॉन हमारा यू uh, नो you know, इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इतना ज़्यादा इलास्टिक है तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी जो है ना कई सारी निकल कर के आई आप सभी लोग टूथब्रश तो ज़रूर यूज़ करते होंगे तो टूथब्रश के हमारे जो ब्रिसल्स होते हैं जिसको हम जिससे कि हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं वो ब्रिसल्स किसके बने होते हैं वो नायलॉन के ही बने होते हैं तो वैसे तो बोला जाता है कि हर तीन महीने में जो है ना टूथब्रश के जो ब्रिसल्स मतलब जो टूथब्रश होता है उसको चेंज कर देना चाहिए क्योंकि ब्रिसल्स जो है ना ख़राब हो जाते हैं और वो आपके दांतों को इफ़ेक्टिवली साफ़ नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी तीन महीने के बाद भी जब आप अपने टूथब्रश को देखते हो तो उसके ब्रिसल्स भले यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ चले जाएँ लेकिन वो रहते हैं, इंटेक्ट हैं क्यों रहते इंटेक्ट हैं डेली हैं। बेसिस पे आप उसको सुबह शाम यूज़ करते हो और कस की जो है ना सफ़ाई करते हो लेकिन फिर भी वो टूटते वूटते नहीं हैं क्यों स्ट्रांग है ड्यूरेबल है नायलॉन फाइबर्स के बने हुए हैं इसके अलावा ट्रैकिंग पे जब लोग जाते हैं तो वो जिन रस्सियों का यूज़ करते हैं तो वो रस्सियाँ किसकी बनी होती है नायलॉन फाइबर की बनी होती है इतनी भारी होती है कि इंसान का वेट जो है ना बर्दाश्त कर लेती हैं इसके बाद में जो हमारे टेंट्स वगैरह होते हैं जब हम कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं तो जो टेंट्स होते हैं टेंट्स के जो कपड़े होते हैं वो किसके बने होते हैं नायलॉन के ही बने होते हैं जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं कैंपिंग पे जब यूज़ होते हैं वो स्लीपिंग बैग्स किसके बने होते हैं नायलॉन के यूज़ होते हैं तो कुल मिलाकर के क्योंकि नायलॉन हमारा इतना वर्सेटाइल फ़ाइबर है जिसकी वजह से इसकी कई सारी एप्लीकेशंस निकल करके आती हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन फाइबर्स आर एज फॉलोज नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग फेयरली इलास्टिक और लाइट वेट भी होते हैं ठीक है ना हल्के भी होते हैं और काफ़ी लस्ट्रस भी होते हैं नायलॉन फाइबर्स आब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर सो क्लोथ्स मेड ऑफ नायलॉन आर ईजी टू वॉश एंड ड्राई और ये ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करता नहीं है तो जिसकी वजह से जब आप इसको वॉश करोगे तो ये बहुत जल्दी जो है ना सूख जाता है यानी कि पानी इसके अंदर तक जाता ही नहीं है ऊपर ही ऊपर रहता है तो जैसे ही आप थोड़ा सा हवा में या धूप में डालोगे तुरंत सूख जाता है ये और रिंकल रेजिस्टेंट होता है ज़्यादा इसमें रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ती हैं नायलॉन फाइबर्स हैव हाई ऑपरेशन रेजिस्टेंस हाई वेयर एंड टीयर रेजिस्टेंस सो दे आर वेरी ड्यूरेबल यानी कि लॉन्ग लास्टिक अगर आपने देखा होगा कि यू नो कॉटन का वो हो गया कि अगर एक कील भी कॉटन के कपड़े में फंस जाती है तो कॉटन का कपड़ा वहाँ से जो है ना फट जाता है लेकिन जब हम बात करते हैं अपने सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले फैब्रिक्स की अभी हम बात कर रहे हैं नायलॉन फाइबर से बनने वाले फैब्रिक की तो नायलॉन फाइबर जो होता है आप बोल सकते हो कि अब्रेशन रेजिस्टेंस उसमें होती है कि आप उसमें कितना भी जो है ना रफ़ टफ उसको यूज़ करो वो फटता नहीं है ठीक है इसीलिए हम बोलते हैं कि वो कैसा है ड्यूरेबल है और लॉन्ग लास्टिंग है फिर नायलॉन इज़ नॉट अटैक्ट बाय मॉथ्स एंड ऑर्डनरी केमिकल्स भाई हम सबको पता है कि आ, कई बार ना कपड़ों में कीड़ा लग जाता है अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी मम्मा से जा के पूछेगा उनकी जो महंगी वाली साड़ियाँ होती हैं जैसे सिल्क की और तरह तरह की उसकी तो वो हमेशा उसको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से कॉटन की हो गई सिल्क की हो गई उन सबको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से चंदेरी वगैरह की बहुत अच्छी तरीके से जो है ना उनको वो कवर करके रखती हैं Uh, क्यों क्योंकि उसमें कीड़े लगने के की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो नेथलिन बॉल्स जो है ना डाली जाती हैं जो महंगे वाले कपड़े होते हैं उनके आसपास लेकिन अगर हम बात करेंगे नायलॉन की तो नायलॉन एक ऐसा फाइबर है उससे बनने वाला जो फैब्रिक है वो कुछ ऐसा होता है कि उसमें आसानी से कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं और ऑर्डिनरी केमिकल्स से भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है कई बार आपने देखा होगा कि अगर सिल्क के कपड़ों पर थोड़ा सा यू नो परफ्यूम वगैरह हम छुड़ा लेते हैं तो एक पैच एक स्पॉट बन जाता है ठीक है लेकिन अगर हम बात करेंगे नायलॉन की तो नायलॉन के ऊपर आप कितना भी परफ्यूम वग़ैरह छिड़क लो कुछ नहीं होगा फिर यू डू ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ नायलॉन फाइबर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ के कारण नायलॉन से आ, आप बोल सकते हो कि उसको यूज़ करा जाने लगा कपड़ों को बनाने के लिए क्योंकि देखो ना कीड़े नहीं लगेंगे उनमें केमिकल्स वगैरह पर कोई असर नहीं पड़ता है फिर इसके बाद में कितना भी रफ़ टफ़ यूज़ कर लो फटते वगैरह नहीं है रिंकल रेजिस्टेंट यानी कि सलवटें वगैरह नहीं पड़ती हैं अगर हम बात करेंगे कि अगर इसको हमको धोना भी पड़ा तो जल्दी सूख जाएंगे और इलास्टिक होते हैं लाइट वेट होते हैं इनको यूज़ करना लस्टरस भी होते हैं शाइनी भी होते हैं तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ के कारण जो है ना नायलॉन फाइबर्स को यूज़ किया जाने लगा फैब्रिक्स को बनाने के लिए फिर इसके बाद में अब हम आ जाते हैं फाइनली नायलॉन के यूज़ के ऊपर कि नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग टेक्सटाइल फैब्रिक्स लाइक साड़ीज़ टी शर्ट नेकटाइज टाइट्स सॉक्स एंड अदर गार्मेंट्स नायलॉन इज़ मेक यूज इन मेकिंग करटें स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स ठीक है अगर आप देखोगे अपने घर के पर्दों को तो आपके घर के जो पर्दे होते हैं ना उनको वो सालों साल जो है ना चलते हैं क्यों क्योंकि वो काफ़ी मोटे होते हैं मोटे क्यों होते क्योंकि अगेन वो नायलॉन के फाइबर से बने हुए हैं और वो स्ट्रांग होते हैं नायलॉन के फाइबर्स तो आप कितने भी टाइम तक तो उनको टांग के रखो इतने आसानी से फटते नहीं हैं नायलॉन इज़ यूज इन मेकिंग रोब्स कार की जो सीट बेल्ट होती हैं उनको बनाने में फ़िशिंग नेट्स यानी कि मछली को पकड़ने के लिए जो जाल होता है वो टायर कॉर्ड स्ट्रिंग्स फॉर स्पोर्ट्स रैकेट्स और मतलब कि वो जो बैडमिंटन वगैरह की जो वो होते हैं ना रैकेट्स उनमें जो स्ट्रिंग्स लगी होती हैं जो उसके तार लगे होते हैं वो तार किससे बनते हैं नायलॉन के फाइबर से ही बनते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह है ना जो गिटार होता है सितार होता है तो उसमें जो स्ट्रिंग्स लगी रहती हैं ना वो स्ट्रिंग्स किससे बनती हैं नायलॉन से ही बनती हैं टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं और पेंट ब्रश के जो वो होते हैं ब्रिसल्स वो सब नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर द रॉक क्लाइंबिंग आप देख सकते हो कि नायलॉन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लोग उससे पैराशूट्स भी बनाते हैं भाई पैराशूट्स के ऊपर जो उसके उसको जो यूज़ कर रहा है उसकी तो यू नो ऑलरेडी जान इतने खतरे में रहती है रिस्क में रहती है और आप सोच समझ समझ सकते हो कि पैराशूट्स के लिए अगर नायलॉन यूज़ हो रहा है तो कितने हद तक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्योंकि जब पैराशूट आप यूज़ करते हो तो आदमी का जो वजन है वो तो है ही लेकिन जब पैराशूट हवा में खुलता है तो एयर का जो प्रेशर उसके ऊपर लगता है तो वो प्रेशर भी नायलॉन जो है वो झेल जाता है पैराशूट झेल जाता है ठीक है ऑल दीज यूज़ ऑफ नायलॉन आर ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन फाइबर्स जितने भी यूज़ हो रहे हैं कि म्यूजिकल uh, इंस्ट्रूमेंट्स भी बन रहे हैं उनके uh, जो रैकेट्स हैं उनकी स्ट्रिंग्स भी बन रही हैं कपड़े भी बनाए जा रहे हैं कर्टन्स बनाए जा रहे हैं रोब्स बनाए जा रहे हैं कार की सीट बेल्ट बनाई जा रही है ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि नायलॉन फाइबर की स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होती है अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टील uh, वायर से भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर है तो वो है क्या हमारा नायलॉन का थ्रेड नायलॉन इज यूज एज अ प्लास्टिक फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स तो ये सब कुछ कॉमन यूजेस हैं किसके हमारे नायलॉन के आप देख सकते हो कि रोप्स को बनाने में ये होते हैं स्लीपिंग बैग्स इनको बनाने में टूथब्रश के ब्रिसल्स को बनाने में पैराशूट्स बनाने में टेंट्स बनाने में ये पूरा जो कपड़ा आपको दिखता है ना शाइनी शाइनी सा कपड़ा है ना तो ये शाइनी कपड़ा क्या है ये नायलॉनी है तो दिखने में भी अच्छा होता है कलरफुल होता है शाइनी होता है है ना आसानी से डाई हो जाता है लाइट वेट होता है और फिर मजबूत तो होता ही है ठीक है तो ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में नायलॉन के बारे में तो रेन हो गया है नायलॉन हो गया है आई होप आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा जितनी भी बातें हमने करी सभी को समझ में आई होंगी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन में हम अपने थर्ड टाइप के सिंथेटिक फाइबर पॉलीस्टर के बारे में बात करेंगे तब तक आप क्या करेंगे हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैगनेट डॉट कॉम उसे विजिट कर लीजिएगा जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपरली प्ले लिस्ट में अरेंज्ड और सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट डॉट कॉम टिल देन कीप लर्निंग विद मैगनेट ब्रेन थैंक यू फॉर वॉचिंग